Jelici. Rukiye Begim Zeyba! Bu soup mat pijiyega. Kya hua Sanam? सूप में लतीफ ने गलती से धनिया मिला दिया है। माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, बिना धनिया वाला सूप एकदम तैयार है। मैं अभी आपके लिए वो ले आती हूँ। अरे सनम, इट्स ओके, अम्मी पी लेंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, धनिया खाती ही नहीं है, मैं ले आती हूँ। और सनम, अजीब लड़की हो तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? इस तरह से किसी का निवाला छीन कर नहीं लेकर जाते। दो मुझे। लेकिन अगर खाने वाले के मुंह का जायका खराब हो जाएगा तो ऐसे खाने का मतलब ही क्या है? मैं और ले आती हूँ। लेकिन धनिया इनके लिए अच्छा है। लेकिन उन्हें धनिया पसंद ही नहीं है और बिना धनिया वाला सूप तैयार है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? पीने दो उनको, वो पी लेंगी। आप खुदा के लिए जिद मत कीजिए। अरे ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? तुम्हें अक्कल नहीं है क्या? पूरा सूप गिरा दिया तुमने। मैं पहले से जानती थी तुम बिल्कुल बिल्कुल पागल हो, गवार। मेरी बात इस घर में कोई माने तब ना। यूजलेस। माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, वो सूप गिर गया मुझसे, लेकिन बिना धनिया वाला सूप तैयार है। मैं आपके लिए अभी ले आऊंगी। तुम हो ही क्यों यहां, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं चाहती थी निकाह के पहले सब एक बार बैठकर साथ में डिनर करें, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। निदा बेटा, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सनम कह रही है ना कि वो दूसरा सूप ले आएगी, तो ले आएगी ना। हाँ। एक सूप के गिरने से क्या होता है? और हम अभी भी एक साथ बैठकर डिनर करेंगे, ठीक है? इट्स ओके, अब मेरा मूड नहीं है। आहिल, I'm sorry, but मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे रूम में चल के डिनर करें। कोई बात नहीं सनम, सूप ही तो था। जाओ बेगम साहब के लिए एक और लेके आ जाओ। चलो। या अल्लाह, रुखसाना! रुखसाना, क्या हुआ रुखसाना को? सनम, क्या हुआ रुखसाना को, बोलो। बेटा क्या हुआ, बताओ हमें। अम्मी, रुखसाना रुखसाना मर गई। लतीफ, रुखसाना
कैसे हो सकता है? जब हमने उसे बुलाया तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया? अम्मी, इट्स ओके, आप क्यों रो रही हैं? दिल्ली ही तो है। मर गई तो अब क्या कर सकते हैं? वो एक बिल्ली नहीं थी, हमारी बच्ची थी, अपने हाथों से पाला था। बेगम साहिबा, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर रुखसाना ने कुछ गलत खा लिया है। पर क्या खाया था उसने? सुबह मैंने दूध पिलाया था, पर तब तक बिल्कुल ठीक थी। और अभी रुखसाना ने सिर्फ वो सूप ही पिया जो नीचे गिरा हुआ था, जो अभी बेगम साहिबा पीने वाली थी। ठीक हो, लेकिन सूप पीने से ऐसा कैसा हो सकता है? सूप तो सनम ने बनाया था। हाँ, और सूप मैंने भी पिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट वॉज फाइन। लेकिन रुखसाना की मौत ये सूप पीने के बाद ही हुई है, जो बेगम साहिबा को दिया गया था। बेगम साहब, हो सकता है कि जो सूप का बोल बेगम साहिबा को दिया गया उसमें कुछ गलत हो। What rubbish? ऐसे कैसे हो सकता है? बेगम साहिबा ने वही तो सूप पिया है जो हम सबने पिया है। उनके सूप में कोई स्पेशली, this is not possible. Why not? हो सकता है कि गलती से कुछ गिर गया हो, या फिर किसी ने जान। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम सब बेकार में राय का पहाड़ बना रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं और इसके बाद हम और कोई बात नहीं करना चाहते, बस। अम्मी, लेकिन आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमारी जान को कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है ना? तुम्हारे सामने खड़े आए, और सूप में कुछ था या नहीं था ये तुम कैसे कह सकते हो? और अगर था भी तो सनम ने फिर बेगम साहिबा की जान बचाई है। हमेशा की तरह उसने इस घर की मदद की है। अरे वाह वाह रिहान मियां, हैं? तुम हर वक्त सनम की वो क्यों करते रहते हो? वकालत? हाँ, वकालत क्यों करते रहते हो? हम हकीकत नहीं जानते, लेकिन तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि सनम ने जान बचाई? हैं? हो सकता है कि बात कुछ और हो? हाँ? नहीं, हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई थिंक बेस्ट यही रहेगा कि हम किसी वेट या कोई जानवर के डॉक्टर को बुला ले, पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या थी। उस सब से क्या होगा है? क्या हमारी रुखसाना वापस आ जाएगी? लतीफ, रुखसाना को ले जाओ यहां से। जी। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ?
अब ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। आइए मैं आपके कमरे तक छोड़ता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये निकाह वाली बात है और हम चाहते हैं कि सारी तैयारियां एहतियात से, कोई गलती नहीं करना चाहते। इस निकाह पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, हम नहीं चाहते कि हमसे गलती से भी कोई गलती हो जाए। आहिल, I'm sorry, पर मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ना मेरे रूम में चल के डिनर करते हैं। कम सुनो, खाना ऊपर मेरे रूम में भिजवा देना, और हाँ याद रहे मुझे गर्म खाना पसंद है। तो काम चोरी मत करना और कटलरीज भी धोकर भिजवाना, और आखिर में फिंगर बॉल भिजवाना मत भूलना, ओके? कब आए? चलो तुम हर वक्त सनम की वकालत क्यों करते रहते हो? खाना ऊपर मेरे रूम में भिजवा देना, याद रहे मुझे गर्म खाना पसंद है। घर में सब खुद को समझते क्या है? कोई किसी को ऐसे नीचा कैसे दिखा सकता है, वो भी सनम को, जिसने आज तक किसी का बुरा सोचा तक नहीं। चाहे कुछ भी हो, मुझे सनम को इस जगह से निकालना ही होगा, मैं उसकी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो बस यही दुआ करती हूँ कि मेरी सनम को कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और वो सेटल हो जाए। ये लीजिए आपकी ये रूम की चाबी। देखिए कुछ गलतफहमी हुई है, हमें दो कमरे चाहिए। आई एम सॉरी सर, पर यहाँ आपकी बुकिंग मिस्टर एंड मिसेस राहत नाम से ही है, और यहाँ अब कोई कमरा भी खाली नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। I'm sure there would be some other option also. आपका इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, प्लीज एक बार चेक कीजिए ना। सॉरी सर, पर इस वक्त फंक्शन की वजह से सारे कमरे फुल हैं। मुझे माफ कर दो आया, मुझे ख्याल में नहीं आया तुम्हारे लिए एक अलग कमरे की स्पेशल रिक्वेस्ट डाल दूं, और फंक्शन में आने के लिए एक दिन पहले चेक इन करना कंपलसरी था। तुम यहां सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी और इंतज़ार नहीं कर सकता था। और
हाँ अंदर तो आइए 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 बैठिए। क्या बात है, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। सनम तो ठीक है ना? जी वो ठीक है। दरअसल मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आप सनम के निकाह को लेकर परेशान हैं। मैं आपकी परेशानी दूर करने आया हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं सनम से निकाह करना चाहता हूं। आप बैठिए प्लीज। बड़ी अम्मी, सनम एक बहुत अच्छी लड़की है और इस पूरी दुनिया में वो सबसे अलग है, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला जो उसे चाहिए था। और बड़ी अम्मी, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूं जैसे वो सबका ख्याल रखती है। सनम की तरह मुझे भी जिंदगी से बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं उसकी तरह एक आम और खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता हूं, आप सबके साथ, छोटी सी जगह, छोटे से घर में। बड़ी अम्मी, मैं सनम के सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूं और आपका और हया का भी ख्याल रखना चाहता हूं। और इंशाल्लाह मैं सनम का ढाबा भी बनाना चाहता हूं। सनम को अपनी जिंदगी बनाकर आप सबको मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहता हूं। सॉरी मैंने आपको कितना कुछ बोल दिया, आपको कितना अजीब लग रहा होगा। आप तो मुझे जानते भी नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं जानती हूँ आप कौन हैं। आप मेरी वो दुआ है जो अल्लाह ने कबूल कर ली। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी सनम की जिंदगी में एक ऐसा लड़का है जो उसे समझ सके, और आपसे अच्छा लड़का तो उसे मिल ही नहीं सकता। मेरी सनम का निकाह आपसे हो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक बार मैं सनम से भी पूछना चाहती हूँ। कहीं उसने पहले से हाँ तो नहीं कर दी? नहीं, मैंने अभी तक उससे पूछा नहीं है। सोचा पहले बड़ों की इजाजत ले लूं। हमेशा खुश रहो। ये तुमने ठीक नहीं किया नेता। जिस दौलत को हासिल करने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे तुमने हमें मारकर एक पल में हासिल करने की कोशिश की, ये तुमने ठीक नहीं किया नेता। और तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन तुम अभी बच्ची हो नेता। जो खेल तुम हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रही हो ना, वो खेल खेल कर हम इतने ऊब चुके हैं कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते। हम तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि बस बस एक बार तुम्हारा अहिल के साथ निकाह हो जाए, उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा। लेकिन अब और नहीं, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर इस घर की छोटी बेगम नहीं बनने देंगे। अभी से यह हाल है तो अल्लाह जाने ये लड़की निकाह के बाद क्या गुल खिलाएगी। हम आहिल और निदा का निकाह कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे।
अगर निदा नहीं तो फिर कौन? हमें आहिल का निकाह कल ही कराना होगा, लेकिन इतनी जल्दी हमें हमें दूसरी लड़की कहां से मिलेगी? और अगर 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 आहिल का निकाह कल नहीं हुआ तो सारी दौलत, सारी जायदाद सब सब ट्रस्ट में चली जाएगी। हम क्या करें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लेकिन हमें किसी भी कीमत में कल ही आहिल का निकाह कराना होगा। लेकिन किस किस